हेलो दोस्तों स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल बेसिक नॉलेज में दोस्तों आज के वीडियो उन विद्यार्थियों को बहुत ही खास है जो जो आकांक्षा फोर्टी एग्जाम देने जाने वाले हैं जी हाँ आज बहुत ही महत्वपूर्ण आप लोग क्वेश्चन पर देखने वाले और ये सारे सवाल दो हजार इक्कीस में पूछे गए सवाल है आप लोग एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण सवाल है आप लोग आता है तो देख लिए रिविजन हो जाएगा और नहीं आता है तो क्योंकि आकांक्षा फोर्टी दोस्तों क्वेश्चन कुछ कुछ रिपीट भी होते हैं क्या रिपीट हुआ चीज मैं आप लोग को दिखा दूंगा हर एक चीज को एक्सप्लेन भी कर दूंगा ताकि आपको कोई याद रखने में दिक्कत ना हो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और आकांक्षा फोर्टी एग्जाम आप लोग का जब भी है काफी काम आएगा चलिए देखिए क्या आप लोग का पहला सवाल देखिए इंग्लिश में दिया है मैं हिंदी को पढ़ता हूँ इंग्लिश वाल इंग्लिश को देख लेना सबसे पहला सवाल है उत्तल दर्पण पर बना प्रतिबिंब हमेशा होता है दोस्तों उत्तल दर्पण पर बना प्रतिबिंब क्या होता है हमेशा दोस्तों उत्तल दर्पण जब प्रतिबिंब बनाता है हमेशा छोटा बनाता है यानी आभासी बनाता है और छोटा बनाता है अब देखे होंगे गाड़ी में लगा होता है पीछे का दृश्य देखने के लिए दर्पण लगा होता है तो क्या आप वस्तु को बड़ा देख पाते हो कि नहीं उसको छोटा देख पाते हो ना जैसे बाइक चलाते हो अपना बाइक में जो आईना लगा रहता है जो पीछे का कोई आदमी आता है तो जितना होता है एक्चुअल में उससे छोटा दिखता है ठीक है तो क्या हो गया ह्रासित ह्रासित मतलब छोटा होगा ठीक है और उत्तल दर्पण हमेशा क्या बनाता है आभासी ही बनाता है तो आभासी और छोटा बनाएगा यानी कि वर्चुअल एंड डेमिनेज नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पतले लेंस की फोकस लंबाई माइनस पचास सेंटीमीटर है लेंस की क्षमता था उसकी प्रकृति प्रकृति क्या होगी देखिए यहाँ फोकस दूरी दिया है कितना पचास सेंटीमीटर माइनस में यानी कह सकते कौन सा लेंस है जी हाँ अब तक लेंस है भाई माइनस में दिया हुआ है आपको क्या नहीं इसकी प्रकृति निकालना है क्षमता निकालना है और प्रकृति तो क्षमता निकालो लो पी इकल टू क्या होता है वन बाई एफ होता है लेकिन 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 उससे पहले इसको मीटर में चेंज करना होता है तभी आप क्षमता निकाल पाओगे तो उसको मीटर में चेंज कर लो कितना से भाग दोगे मीटर में चेंज सौ से भाग दे देना यानी कि आ जाए जीरो पॉइंट जीरो पॉइंट फाइव मीटर होगा और ये माइनस में होगा ना तो माइनस जीरो पॉइंट फाइव मीटर याद रखना हम लोग का फॉर्मूला होता है पी इक्वल टू वन बाई एफ वन बाई एफ़ यानी कि वन बाई माइनस ज़ीरो पॉइंट फाइव हो जाएगा पॉइंट काट के ऊपर भी दे दो जीरो यानी कि हो जाएगा दस बटा माइनस पांच उसको काट देना पांच दूनी दस कट जाएगा यानी माइनस दो डायप्टर आपका आंसर आ रहा है तो माइनस दो डायप्टर कहाँ है देख लो ऑप्शन नंबर दो बिल्कुल सही जवाब हो रहा है और कौन सा है माइनस दो सर यहाँ भी है यहाँ भी है लेकिन माइनस है तो अब दर्पण हो जाएगा समझ रहे हो इसलिए ये वाला उत्तर सही हो जाएगा याद रखना माइनस हमेशा अब लेंस का सूचक है फोकस दूरी माइनस हमेशा अब लेंस का ही होता है पावर हमेशा अब लेंस का ही होता है नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का तीन नंबर है निम्नलिखित में से कौन एक ऊर्जा स्रोत का प्रकार नहीं है ऊर्जा स्रोत का प्रकार कौन नहीं है देखिए जनित्र भी ऊर्जा है स्वर कोसी भी ऊर्जा देता है और आप लोग का स्वर सेल ठीक है और आप लोगों का बैटरी भी ऊर्जा देता है लेकिन रियोस्टेट जो होता है दोस्तों ये ऊर्जा नहीं देता है रियोस्टेट क्या प्रतिरोध को परिवर्तन करने का काम आता है समझ रहे हो ना तो ऑप्शन आप तीन आपका बिल्कुल तो सही हो जाएगा प्रतिरोध को घटाना हो बढ़ाना हो तो रियोस्टेट का काम होता है बाकी जनित्र से भी ऊर्जा मिलेगा सौर सेल से भी ऊर्जा मिलेगा बैटरी से भी ऊर्जा मिलेगा मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पांच नंबर उत्तर लेंस का आवर्धन होता है आवर्धन का फॉर्मला पता ही क्या होता है एम इक्वल टू होता है क्या अगर लेंस बोला है तो भी बटायु दर्पण बोला है तो माइनस वी तो लेंस बोला है तो भी बायू और इक्वल टू होता है एच डेस बाई एच अच्छा क्या बोल रहा है कि उत्तर लेंस का आवर्धन उत्तर लेंस में क्या होता है प्रतिबिंब जो बनता है छोटा बनता है ठीक है जितना बड़ा बीम रहता है ना जितना बड़ा ये चीज रहता है उससे ये छोटा बनता है तो ऊपर में अगर छोटा हो गया नीचे में बड़ा हो गया तो क्या होगा एक से छोटा हो जाए मान लो ऊपर में तीन है नीचे में चार है भाग दो तो एक से कम नहीं आएगा बिल्कुल एक से कम होगा तो हमेशा इकाई से कम होता है याद रखना क्या मजा आ रहा है ना बिल्कुल ऐसे एग्जाम में पूछ जाएंगे तो देख लो अच्छे से द दऐसा यूनिट ऑफ पावर शक्ति की ऐसा क्या है तो शक्ति का सभी को पता है वाट है जी हाँ दोस्तों वाट 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 लग जाएगा छ नंबर देख लो एक तार का प्रतिरोध वित क्रोपाती होता है आप लोग एक फॉर्मुला में बोले थे आर इक्वल टू क्या बोले थे आर इक्वल टू बोले थे रो एल बाई ए तो व्युत्करणुपाति मतलब उल्टा जिस चीज को बढ़ाने पर प्रतिरोध घट जाएगा तो एरिया जो बट्टा में है ना वो होता है व्युतकरणुपाती क्योंकि जितना ज्यादा एरिया बढ़ाओगे पतला तार है तो प्रतिरोध ज्यादा होगा और मोटा तार ले लिए तो प्रतिरोध कम हो जाएगा यानी कि डिपेंड किस पर करता है व्युतकरणपा किस पर है एरिया पर जितना क्षेत्र बढ़ाओगे उतना प्रतिरोध घटेगा जितना क्षेत्र बढ़ाओगे उतना प्रतिरोध घटेगा जितना क्षेत्र बढ़ाओगे उतना प्रतिरोध घटेगा समझ रहे हो ना तो क्षेत्रफल बढ़ाओ प्रतिरोध घट जाएगा यानी इस पर व्यक्त करो किसका है अनुप्रस्थ क्षेत्र के क्षेत्रफल का अगला है पटत चित्र में उपाक्षी किरण यानी पैरेक्सियल रेज दोस्तों ये सवाल आप लोगों का दो दो बार पूछा गया है पिछले साल भी पूछा गया था उससे पिछले साल भी पूछा गया था तो देख लो अगर हो सकता है इस बार भी रिपीट कर दे तो पैरेक्सियल उपाक्षी किरण मतलब होता है दोस्तों की जो मुख्य अक्ष में किरण है ना मुख्य अक्ष क्या है ए बी है ठीक है मुख्य अक्ष क्या है ए बी उसके सामने जो है सबसे सामने पैरेक्सियल किरण सॉरी जो मतलब हाँ मुख्य अक्ष कौन वाला है आ, हाँ ये वाला मुख्य अक्ष मान लो यही वाला है ठीक है तो इसके सामने कौन वाला है इसके सामने तो ए भी है ना ए भी इसके सामने है मतलब जो मुख्य अक्ष के बिल्कुल सामने होता है उससे हम लोग प्रैक्सियल रेस बोलते हैं तो प्रेक्शियल रेस ये भी उसके सामने है तो ये भी आपका सही उत्तर हो जाएगा ठीक है ना दूर दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को चाहिए यानी कि शॉर्ट लॉन्ग साइटेड को दूर दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को उत्तर लेंस चाहिए जिसको दूर दृष्टि दोष हो जाता है उसको उत्तर लेंस से ठीक किया जाता है अगला सवाल हमारा क्या है देख लो अगला बोल रहा है कि वैद्युत प्रतिरोधकता ऐसा मतलब प्रतिरोधकता यानी कि जो होता है ना R इक्वल टू रो एल बाई ए तो इसी रो का बोल रहा है इसी रो का तो रो का क्या हो जाएगा ओम मीटर हो जाएगा ओम मीटर यानी तीन नंबर और प्रतिरोध क्या होता है ओम होता है <coughs> ये देखो ये एक फिगर दिया पर यदि अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से आपतित प्रकाश की किरण गुजरती है जैसा कि फिगर में दिखाया गया है तो परावर्तित किरण क्या हो गया पूरा मुख्य फोकस से ऐसा किरण जा रहा है ठीक है ये तो मुख्य फोकस हो गया मुख्य अक्ष अच्छा हो गया अब मुख्य फोकस यहाँ फोकस है यहाँ से ऐसा करके किरण ऐसे करके पास हो रहा है तो जो जाएगा कैसा तो आपको पता है जब भी फोकस ऐसे पास होता है तो ये समांतर निकल जाता है यानी ये फोकस आया तो यहाँ से ये समांतर निकल गया समझ हो तो मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाता है याद रखना मुख्य अक्ष के समांतर रहेगी जल में हवा की बुध हमेशा डैश हमेशा डैश जैसा होता है यानी क्या बोल रहा है किन्साइड वाटर एंड एयर बबल बिहेव्स ऑलवेज लाइक कौन सा जल के अंदर दोस्तों एयर बबल हवा की बूंदे जो मान लो पानी है पानी के अंदर हवा का बूंद हमेशा उत्तल लेंस जैसा वो व्यवहार करेगी ऑप्शन नंबर दो ग्यारह का दो आपका सही उत्तर हो जाएगा समझ गए चलिए बहुत बढ़िया दस तो हो गया है हाँ और दस का हो गया है तीन आगे देखो बारह नंबर क्या बोल रहा है कि एक तीन मीटर से एक व्यक्ति तीन, तीन मीटर से अधिक की दूरी को स्पष्ट नहीं देख पाता है ठीक है मतलब तीन मीटर दूरी अधिक की दूरी पर रखी वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पा रहा वो ग्रसित है तो सोच लो क्या बोला तीन मीटर से ज्यादा दूरी पर रखा वस्तु को नहीं देख पा रहा तीन मीटर से निकट रखी वस्तु को देख पा रहा है यानी कि निकट रखी वस्तु को देख पा रहा है पर दूर की वस्तुओं को नहीं देख पा रहा है तो ऐसा कौन सा दोष होता है जिसमें निकट की वस्तु को देख सकता है पर दूर की वस्तु को नहीं देख सकता है निकट दृष्टि दोष होता है ना मेरे भाई तो निकट दृष्टि दोष यानी शॉर्ट साइटेडनेस यानी कि इसको को बोलते हैं मायोपिया ठीक है याद रखना निकट को बोलते हैं मायोपिया और जो दूर दृष्टि होता है उसको बोलते हैं हाइपर मेट्रोपिया ठीक है नेक्स्ट है रेडिना पर स्थित प्रतिबिंब का प्रभाव रहता है दोस्तों ये रहता है एक बटा सोलह सेकंड से लेकर के एक बटा बीस सेकंड तक रहता है तो इसमें जो भी ऑप्शन रहेगा इसके बीच में मार देना आप लोग गोली चलो आगे बढ़ेंगे घरों में विद्युत उपकरण एक दूसरे से जुड़े होते हैं तो घरों में दोस्तों जो हम लोग उपकरण होता है ना जो परिपथ होता है हमेशा समांतर क्रम ही रहता है ताकि कोई एक चीज खराब हो जाए तो दूसरा चीज पर इफेक्ट ना पड़े समझ रहे हो तो इसलिए समांतर क्रम में जुड़ा रहता है श्रेणी क्रम में रहेगा तो एक चीज खत्म हो खराब होगा पूरा घर का कनेक्शन कट जाएगा तो समांतर क्रम में ऐसा नहीं होता है भाई तो इसलिए समांतर क्रम यूज होता है पृष्ठ पृथ्वी का पृष्ठतल मान लिया था दोस्तों पृथ्वी पर बहुत जितना चार्ज भेजना है ना भेज लो वो नेगेटिव है वो लेने के लिए तैयार है तो पृथ्वी का जो है ना ऋण विभव पर है पृथ्वी पृष्ठतल प्रिथ को इसलिए दोस्तों अर्थिंग देखिए ना अर्थिंग पृथ्वी पर आता है ताकि अगर झटका बढ़ जाए अगर पूरा हैवी आ जाए तो अर्थिंग के थ्रू से पृथ्वी में करंट चल जाएगा क्योंकि पृथ्वी ऋण विभव है जितना उसको धारा देना दे दो वो आराम से ले लेगा बैठे बैठे नेत्रिका की तुलना में यौगिक सूक्ष्मदर्शी में अभिदृश्यक लेंस है सोलन में देख लो क्या बोल रहा है तो याद रखना नेत्र की तुलना में योगिक सूक्ष्मदर्शी जो होता है दोस्तों तो उसका जो आप का होता है किसका नेत्रिका की तुलना में योगिक सूक्ष्मदर्शी का अभिद्रशक लेंस क्या छोटी फोकस दूरी का होता है अगला सवाल है को, आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण का अनुपात क्या होता है यानी साइन आई बाई साइन आर क्या होता है ये होता है म्यू और इसी को बोलते हैं स्नेल फ्लॉ दैट इज स्नेल का नियम और ये हो जाएगा सही आगे बढ़ेंगे अट्ठानबे सवाल देखिए क्या बोल रहा है <coughs> अपवर्तनाक की ऐसा मात्रक होता है दोस्तों अपवर्तनाक का कोई भी मात्रक नहीं होता है क्योंकि क्या होता है इसका फॉर्मूला दोनों स्पीड ही होता है ना दोनों स्पीड ही होता है निर्वात में प्रकाश की चाल किसी माध्यम प्रकाश की चाल डिवाइड करोगे तो प्रकाश की चाल का मात्रक मीटर पर सेकंड तो मीटर पर सेकंड मीटर पर सेकंड कट जाएगा तो कोई चाल नहीं होगा मेरे भाई हाँ ट्रैफिक संकेतों में लाल प्रकाश का प्रयोग होता है क्यों ट्रैफिक सिग्नल जाए हो ना शहर में देखियो सिग्नल जल जाता है लाल 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 क्यों क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है हमारी आँखों पर सबसे ज्यादा भेदता है लाल रंग ठीक है एक परिपथ में दोस्तों क्या होता है परिपथ में आमीटर हमेशा समांतर क्रम में होता है बिल्कुल यहीं पे गलत होगी आमीटर हमेशा श्रेणी क्रम में होता है

क्या होता है श्रेणी क्रम में जिस ऐसे ऐसे दो प्रतिरोध जुड़ा होता है सर यहाँ पर तो ऐसा जुड़ा नहीं है बिल्कुल ऐसा ही जुड़ा देखो यहाँ पर है बिंदु जुड़ा हुआ है देखो ये तो आराम जुड़ा हुआ है और ये यह देखो यहां पर बिंदु है दो जुड़ा हुआ है ठीक है श्रेणी क्रम में ये पार्ष्व क्रम में नहीं है पार्श्वक्रम होता तो इस प्रकार से होता इस प्रकार से समझ रहे हो ऐसा तो है ही नहीं ठीक है एक खत्म हुआ दूसरा शुरू हो गया यहाँ पर देखो एक खत्म हुआ दूसरा शुरू हो गया यहाँ देखो एक खत्म हुआ दूसरा शुरू हो गया मतलब सब श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ इसलिए इनमें से सभी इज द राइट आंसर परम सत्य उत्तर हो जाएगा आगे देखिए बाईस नंबर क्या बोल रहा है एक विद्यार्थी को प्रत्येक एक पॉइंट पांच वोल्ट के चार बैटरी ठीक है चार सेल जोड़कर छह वोल्ट की बैटरी बनाता है यही संयोजन क्या है एक विद्यार्थी प्रत्येक देखिए ये तो देखिए क्या है ये आपका माइनस है ये प्लस है यहाँ प्लस और यहाँ भी प्लस बड़ा वाला प्लस होता है छोटा वाला माइनस होता है ये भी प्लस ये भी प्लस ये भी माइनस ये भी माइनस तो देखो दोनों तरफ तो माइनस होता नहीं है खत्म हो गया दोनों तरफ प्लस भी होता नहीं है खत्म हो गया दोनों तरफ प्लस होता नहीं है खत्म हो गया हाँ माइनस शुरू होता है करेंट इधर निकलता है यानी कि ये बिल्कुल सही दर्शा रहा है ऑप्शन नंबर ए आपका परम सत्य उत्तर है ये इधर माइनस है इधर प्लस है ना छोटा वाला माइनस होता है बड़ा वाला प्लस होता है ऐसा ही आपका बैटरी का सिंबल होता है ना चलो बहुत बढ़िया नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि एक प्रायोगिक सॉरी विद्युत चुंबक के प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित युक्ति होती है दोस्तों तो विद्युत विद्युत जनित्र जो होता है ना चुंबक के के सिद्धांत पर आधारित होती है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है एक प्रायोगिक विद्युत मोटर में कुंडली को क्या कहा जाता है दोस्तों प्रायोगिक विद्युत मोटर में जो कुंडली होता है ना आप लोग देखे होंगे मैंने आप लोगों को विद्युत मोटर पढ़ाया है इस प्रकार का जो कुंडली था उसको मैंने क्या बोला था जी हाँ उसको आर्मेचर बोला था मार दो आर्मेचर को टेक समझ रहे हो कितना अच्छा अच्छा सवाल है तो अगला सवाल क्या है लघु पथन के समय परिपथ में धारा क्या होता है और ये सवाल दोस्तों आप लोगों का तो साइंस में एग्जाम में बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था बहुत रूप से बढ़ता है भारी रूप से बढ़ता है और ये चीज़ मैंने आप लोग पढ़ाया भी था सब्जेक्टिव में समझ रहे हो पथन के समय परिपथ का धारा भारी रूप से बढ़ जाता है उसके बाद केमिस्ट्री या नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे तो ये था दोस्तों आप लोगों का फिजिक्स का बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल इसमें से देख लो कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लो और इस प्रकार के सवाल इससे भी हार्ड सवाल इससे भी आसान सवाल पूछे जा सकते हैं ठीक है और इसमें से भी कुछ सवाल हो सकता आ जाएगा और मेन मेन यही कॉन्सेप्ट रहेगा सबका तो अच्छे से देख लो सभी को शेयर कर देना दोस्तों ताकि सभी को लाभ मिले ठीक है चलिए लव यू ऑल थैंक यू अभी ऑल यू अभी कितना ही नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे तब देख लीजिए जय हिंद वंदे मातरम